हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा ऑल इन वन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लाई हूँ। होली हो या कोई भी त्यौहार हो, हम सब के वहाँ गुजिया तो ज़रूर बनती है, तो मैंने सोचा आपके लिए गुजिया की रेसिपी लाई हूँ। तो मैं आपको बना के दिखाऊँगी कैसे बनती। इसके लिए मैंने 2 कटोरे मैदा ले रखा है। इस मैंने एक ही कटोरे से मेजरमेंट कर रखा है, तो ये 300 ग्राम करीब हमारा मैदा होगा ग्राम में। और ये 2 कटोरे ले रखा है मैंने, और इसी कटोरी से आधे कटोरी घी ले रखा है मैंने। एक ही कटोरे से नापा है सबको। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, इसमें पूरे में अच्छे से मिला लेना है हमको इसको, कहीं भी फटाफट सब पूरा मिक्स कर देना है। और पूरे अच्छे से मिला के पूरे में मिक्स हो जाए, सभी में मिल जाना चाहिए आटा में। ये हमारा परफेक्ट है कि नहीं, ये देखो मुट्ठी बन रही तो ठीक है हमारा। अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। इसको हमको ज़्यादा नहीं गूंदना है, मिलाना ही है। तो इसको इस तरह बांधना है, बांधते हुए ठंडे पानी से मैं इसको गूंद रही हूँ। हमारा मेरा आटा गूंद के तैयार है। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। एक गीले कपड़े से ढक के रख दिया है मैंने। अब मैं इसके फिलिंग की तैयारी करती हूँ। इसमें मैंने 1 कटोरा सूजी ले रखा है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी तेल डाल दिया 2 चम्मच। इसमें थोड़ी ड्राई फ्रूट मैंने काजू और बादाम डाल दिया, इनको भून लूँगी थोड़ी। आप और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैं सिर्फ काजू और बादाम डाल रही हूँ। और किशमिश डालूँगी, किशमिश हमको भूनना नहीं है, मैं भूनूँगी नहीं इनको, बस काजू को थोड़ी वो करना है, काजू बादाम को। इससे अच्छे आते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें ही सूजी डाल दूँगी हमारी, थोड़ी घी और डाल के 1 चम्मच। इसमें जो हमें सूजी भुननी है, इस सूजी को 1 कटोरा सूजी लिया था उसको भून लूँगी इसी में। इसको ब्राउन होने तक धीमी आंच में भुनना है हमको, आंच बिल्कुल धीमी करके, जब तक ब्राउन नहीं जाए। ये ब्राउन हो चुकी है हमारी, भुन चुकी है सूजी ये अच्छे से। मैं इसमें मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने 1 लीटर दूध ले रखा है। इसमें पहले थोड़ा सा पानी ले डाल लूँगी मैंने, ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। और इसमें मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले रखा है मैंने, इसको डाल देती हूँ। इसको फुल आंच में हमको उबाल लेना है। पहले मैंने फुल आंच कर रखी है और इसको उबालने के लिए रख दिया है। बीच बीच में हमको चलाते रहना है, ताकि नीचे नहीं लगे हमारा दूध। मेरा दूध उबलने लग गया है। इसको तेज आंच में उबालना है हमको, स्लो आंच में नहीं। अब मैं ये जो काजू बादाम मैंने भुने थे इनको काट लेती हूँ। आप इसको कूट भी सकते हैं उसमें, मैंने इनको काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, बादाम और काजू को। आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, अच्छा होता है। ये किशमिश भी मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं, इसको भुना नहीं था मैंने। अब हमारा दूध देखिए इतना बन गया है, कम हो गया है पूरा, तो थोड़ी गाढ़ा जैसे लगने लग गया है। अब मैं इसमें जो सूजी भुनी थी उसको डाल दूंगी। ये बिल्कुल हमारा खोया जैसे ही बनेंगे, जैसे हमारे खोए के बनते हैं गुजिया, सेम वैसे ही टेस्ट आएगा इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखना। इसको भी अच्छे से मिला लूँगी मैं इसमें। अभी हमको आँच धीमी कर देनी है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। ये धीमी आंच में बनाना है। मैंने ये देखिए हमारे पूरा ऐसे हो गया, दूध पूरा सूख लिया इसने, सूजी ने। अब हो चुका है हमारा ये। अब गैस बंद कर दूंगी मैं, यहाँ पे बन चुका है। और इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने काटे थे उसको डाल दूंगी। और गैस बंद कर दी है मैंने, बंद करके ही मैं डाल रही हूँ इसमें।
अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर आप इसमें मैं चीनी डालूंगी। अब बुरादा ये मेरा आटा देख लेती हूँ, आटा मेरा थोड़ी और घोल देती हूँ, इसको अच्छे से थोड़ी चला देती हूँ ताकि अच्छा हो, अच्छा बन गया हमारा आटा। देखिए आधा घंटा हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था तो अच्छा हो गया आटा, ऐसे ही हमको चाहिए था। अब हमारे ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था, वही एक कटोरा, उसी कटोरे से मैंने एक कटोरा चीनी ले रखा है, ये थोड़ा डाल दिया है, थोड़ी बचा रखा है, अगर ज़रूरत लगी फिर डालूंगी। आप इसमें बुरादा भी डाल सकते हैं चीनी का, बुरा बुरा ये थोड़ी बचा था मैंने उसको भी डाल दिया, पूरी चीनी डाल दी ठंडा होने की। अगर पिसी हुई चीनी डाले तो जब ये पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें चीनी डालनी है। ये अब मैं गुजिया बनाऊंगी। आटा के पहले मैं छोटी छोटी लोइयां काट लेती हूँ। फिर हम इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ियाँ हमको ना मोटी ना पतली, नॉर्मल बेलनी है, मीडियम साइज के। इसको एक इससे लेके इसको काट देंगे। मैं पहले आपको बिना सांचे के कैसे हम गुजिया बनाएंगे ये बताऊंगी। इसमें मैं खोया डाल दूंगी बीच में 1 चम्मच। आप हाथ से बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, उससे थोड़ी हमको कम डालना पड़ता है। इसको हम दोनों साइड से ऐसे पानी लगा के चिपका देंगे, पूरा दबा दबा के चिपक जाता है आराम से। और ये कांटे वाले जो फोग होते हैं चम्मच हमारे, उससे हम इसमें डिजाइन बना देंगे, एकदम जैसे उससे बनते हैं गुजिया वाली मशीन से वैसे ही बनते हैं हमारे इसमें भी। अब मैं 2-4 पूरियाँ बेल लेती हूँ एक साथ, तो उसके बाद मैं आपको मशीन में कैसे बनाते हैं मशीन में बना के दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आपको मशीन में बना के दिखाऊंगी। मशीन में बनाना बहुत आसान होता है और आसानी से कहीं मिल भी जाती है दुकानों में। ये देखिए इसमें 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया है और किनारों में पानी लगा दूंगी ताकि हमारी आराम से चिपक जाए। और फिर इसको जो बाहर कस्टा है उसको निकाल दूंगी और इसको थोड़ी दबा के, देखिए हमारी गुजिया बन के रेडी है और इसको निकाल देना है। देखिए कितनी सुंदर बन के आई है। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। आप जिस आपको जो ऐसे ठीक लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं, मशीन से भी बना सकते हैं, मशीन नहीं है तो हाथ से भी बना सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये बिना खोया के बना रखे हमने, लेकिन बिल्कुल खोया जैसा ही टेस्ट आएगा इन गुजिया में। आप एक बार ज़रूर बना के देखना। एक बार मैं हाथ से और बता देती हूँ आपको बिना मशीन के हम कैसे बनाएंगे करके। पानी लगा दिया मैंने, अब इसको ऐसे चिपका के चारों तरफ से चिपका के फिर फोक से हमको इसमें वैसे ही बनाना है जैसे पहले बताया था आपको। देखिए कितनी अच्छी गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई, बिल्कुल मशीन जैसी बन के आई है। यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया है, तेल हल्का ही गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, जैसे हम समोसा वगैरह के लिए बनाते हैं, कचौड़ी वगैरह के लिए उसी तरह का तेल हमें चाहिए। जितने भी आए कढ़ाई में आप डाल दीजिए उस हिसाब से, मैंने डाल दिए हैं। अब इनको थोड़े बीच बीच में चलाते रहें, पलट देंगे एक बार, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे हमारे। हमारे गुजिया ये हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ रखा है, एकदम बाजार जैसे हलवाई जैसे बने हैं। फिर जो हमारे बचे हुए गुजिया हैं उनको भी मैं डाल दूंगी।
ये भी पलट दूंगी इनको भी, हमें गोल्डन ब्राउन करने हैं इनको अच्छे से, और धीमी आंच में ही पकाना है हमको, तेज आंच में नहीं बनाना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए मेरे गुजिया बन के रेडी हैं, देखिए इतने सारे गुजिया बने हैं, एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं। आप एक बार ज़रूर बना के देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।